एम्पलीफायर तब यूज होता है जब एक्टिव रीजन होता है। एक्टिव रीजन कब होता है? जब इमीटर बेस और कलेक्टर, और कौन सा है? एनपीएन है। तो इमीटर बेस कलेक्टर और एनपीएन अगर देखोगे अच्छे से तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है एक्टिव रीजन में, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव से कनेक्ट होगा, और ये यहाँ से, हाँ ये निगेटिव है तो निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है इमीटर बेस एक्टिव रीजन कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर जो होता है चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, एम्पलीफायर कब यूज होता है? जब एक्टिव रीजन में हो। एक्टिव रीजन क्या होता है? जब इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में। तो एन है तो इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव थोड़ा सा पोटेंशियल हाई होता है, और ये बेस है, बेस पॉजिटिव तो देखिए निगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ अब जब ऐसा कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये इधर मूव करते हैं, इस तरह से कंडक्टिविटी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमीटर से कलेक्टर बेस के थ्रू कलेक्टर को जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, बेस से कलेक्टर की साइड जाएंगे। होल्स मूव फ्रॉम बेस टू इमीटर, बेस से इमीटर की साइड होल नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ सी ऑप्शन सही है, एक्टिव रीजन कनेक्शन की बात कर रहा है।